जहां चाह वहां राह। यह कहावत प्रोबेशनरी आईपीएस नरेंद्र रावत पर 100% खरी उतरती है। नरेंद्र रावत को ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एमपी के सागर जिले के सुर्खी थाने का प्रभारी बनाया गया है। इस अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही अपनी सूझबूझ से हाईवे पर होने वाले हादसों पर विराम लगाकर मौत का रास्ता बदल दिया है। पहले यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं में लोग जान तो गंवाते ही थे, कई घायल अस्पताल में भी महीनों गुजारते थे। दरअसल इस थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, जिस पर आए दिन हादसे होते थे। ऐसे में नरेंद्र रावत ने इस पर अध्ययन किया और होने वाले हादसों के कारण का पता लगाया और इसका सोल्यूशन ढूंढा। उनके इस प्रयासों से अब यहाँ सड़क हादसे नहीं होते हैं। सुर्खी थाने से नेशनल हाईवे निकलता है तो 2-4 दिन में घटना हमें देखने को मिलती थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो सूचना के अनेक माध्यम थे। जैसे हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल रहती थी तो सूचना ज़्यादातर पेट्रोलिंग व्हीकल से हम लोगों को मिल जाती थी। दूसरा, डायल 100 में हमें नॉलेज मिल जाती थी, डायल 100 में कॉल करते थे लोग कि यहाँ दुर्घटना हो गई है या यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तीसरा, जो आसपास के लोग थे वो कॉल कर देते थे, या नेशनल हाईवे टोल वाले, कोई भी माध्यम से हमें सूचना मिलती थी, हम तुरंत मौके पर पहुँच के उसको देखते थे। तो उस दौरान मैंने देखा कि जो सड़क हादसे थे उनके कई कारण थे। तो जैसे कई जगह आप जानते हैं ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कई जगह रोड पर एक दो जगह गड्ढे भी थे। दूसरा कारण था कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग चालक करते थे। तीसरा, रोड के किनारे जो वाहन पार्क करके रात के समय जो चालक थे, ट्रक ड्राइवर वगैरह सो जाते थे, उनको ओवरटेक करने के चलते काफ़ी हादसे होते थे। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने इन पर गौर दिया और एसपी साहब और कलेक्टर साहब के माध्यम से जो गड्ढे वगैरह थे उनको समतल कराया और जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह थे उनको उन पर स्टडी करके उनको सही कराया। दूसरा, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का हमने एक अभियान चलाया जो एसपी साहब के ने चालू किया था। उसमें हमने देखा कि जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग थे वो चालक करते थे, उन पर कार्रवाई की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। और दूसरा, जो ढाबे थे जो हाईवे के आसपास, उन ढाबों पर जो अवैध शराब बिकती थी उन पर सब पे कार्रवाई की गई। प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी की रिसर्च में हादसे की 3 वजह सामने आई थी, जिसमें खराब सड़क, ड्रंक एंड ड्राइव और हाईवे पर ढाबे के आसपास गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों को हादसे की वजह बताया गया था। खुद उनकी जुबानी सुनते हैं कैसे उन्होंने इन खामियों को दूर किया। दुर्घटना बचाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग का वो चलाइए, जिससे चालक शराब पी के ड्रिंक करके आपको वाहन ना चलाएं। दूसरा, ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कीजिए। ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पिछले आंकड़े हैं आपके 2-3 साल के, उनको देखिए कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ या एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उनका कारण पता कीजिए। तीसरा, जो भी पार्किंग वगैरह होती हैं रोड पे, इलीगल पार्किंग जिसको बोल सकते हैं, या जो ढाबे होते हैं, छोटे छोटे दुकानें होती हैं, वो अपने सामने वाहन खड़ा कर लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि ओवरटेक में दिक्कत होती है, तो ओवरटेक में सडनली कभी बाइक किसी ट्रक से टकरा गई या कोई कार किसी उससे टकरा गया, तो उन पर एक्शन लीजिए। तो इस तरीके से आप इन एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। नरेंद्र रावत अपनी पहली ही पोस्टिंग में मिसाल बन गए हैं। अगले कुछ वर्षों में वह अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ओहदों पर होंगे, लेकिन सुर्खी की सड़क से गुजरकर सुरक्षित अपने घर पर पहुंचने वाले हर शख्स हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। अनुज गौतम, लोकल 18, सागर।